सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज ऋषभ जायसवाल एंड योर वॉचिंग टेक्नो ब्लॉगर। तो आज की वीडियो में बात करने वाले Realme बुक्स के बारे में, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सस्ती मैकबुक्स, जहाँ पे उसकी जैसे डिजाइन को कुछ देखते हो, कुछ कमाल के स्पेक्स के साथ में यहाँ पे Realme अपना पहला लैपटॉप मार्केट में लेके आ रहे हैं, जिसके हम लोग स्पेक्स के बारे में बात करने वाले। उसके साथ में ऑब्वियसली उसका वैल्यू फॉर मनी के बारे में हम लोग बात करने वाले। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए, सो लेट्स बिगिन। जहाँ पे दोस्तों मुझे लगता है कि आस्ते से करके सारे के सारे फोन ब्रांड्स को लैपटॉप मार्केट में एंटर करना है अपना लैपटॉप लाकर। जहाँ पे पहले Xiaomi लेके आया अपना MI नोटबुक, फिर उसके बाद जस्ट अभी हाल फिलहाल में अपना Redmi बुक भी लेके आ गया था, और अब यहाँ पे Realme लेके आ रहा अपना पहला लैपटॉप मार्केट में, जहाँ पे उसने बहुत ज़्यादा मैकबुक से कॉपी करने का कोशिश की अपने लैपटॉप का डिज़ाइन। जहाँ लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा स्लिम एंड लाइट वेट है, जहाँ पे पूरा मेटल बॉडी बिल्ट देखने को मिलता है, ऑब्वियसली मैकबुक से कॉपी है तो लाइक पूरा एल्युमिनियम बॉडी आपको देखने को मिल जाएगा, और सिर्फ 14.9 mm थिकनेस लेके आता है पूरा ये लैपटॉप। तो बहुत ज़्यादा स्लिम है, मैकबुक जितना स्लिम नहीं है पर तो भी काफ़ी ज़्यादा स्लिम है, और इसके साथ में वेट भी 1.38 kg है, जो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिंग है क्योंकि मैकबुक का वेट इससे कम है ऑब्वियसली, बट मैकबुक का साइज भी इससे कम है क्योंकि ये 14 inch का डिस्प्ले साइज लेके आता है और मैकबुक 13.3 inch का। तो यहाँ पे डिस्प्ले साइज को इसने प्रॉपरली मेंटेन किया, मैकबुक जितना भी स्मॉल नहीं कर दिया, बट बाकी सारे अगर बिल्ट के बारे में बात करें तो उसने पूरे मैकबुक से कॉपी करने की कोशिश की है। जहाँ पे ब्लू एंड ग्रे कलर में आपको दो कलर देखने को मिल जाएगा, दोनों कलर काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, स्पेशली जो ब्लू कलर है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। बाकी इसमें मैकबुक जैसी पूरा डिज़ाइन वाला आपको चिकलेट कीबोर्ड देखने को मिल जाएगा, लेकिन वो एक बैकलाइट कीबोर्ड है। बाकी लैपटॉप में आपको एक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा, जो है इंटीग्रेटेड पावर बटन भी काम करेगा। जहाँ पे अगर हम उसके डिस्प्ले के बारे में बात करें तो उसका सबसे ज़्यादा मेजर हाईलाइट मुझे लग रहा है क्योंकि इसमें आपको देखने को मिलने वाला है 2K QHD डिस्प्ले, एक IPS LCD डिस्प्ले है जो 100% sRGB लेके आते हैं, यानी कलर एक्यूरेसी आपको काफ़ी ज़्यादा कमाल मिलने वाला है। अगर आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो या फोटो एडिटिंग करना चाहते हो तो आपको कलर्स के मामले में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा, 3.2 एस्पेक्ट रेशियो का ये डिस्प्ले जैसे मैकबुक्स में देखने को मिलता है। और बाकी अगर हम डिस्प्ले के साइड के बॉर्डर्स के बारे में बात करें, जिसका फ्रेम है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा थिन है, जो मुझे काफ़ी सही लग रहा है लुक्स के मामले में, और उसके साथ में आपको वेबकैम भी इसमें देखने को मिल जाता है, जैसे MI नोटबुक में स्टार्टिंग में देखने को नहीं मिला था, वैसा कोई सीन यहाँ पे नहीं है Realme में, तो वो मुझे काफ़ी सही लगा। बाकी आपको इसमें स्पीकर भी काफ़ी कमाल मिलने वाला है क्योंकि यहाँ पे हारमन कार्डन का आपको स्पीकर देखने को मिलने वाला है, डुअल स्पीकर होने वाला है, तो बहुत सारे स्पीकर के मामले में भी आपको एक्सपीरियंस होने वाला है। और अगर हम लोग बात करें तो इस बजट सेगमेंट में आपको इससे बेटर डिस्प्ले किसी और लैपटॉप में नहीं मिलेगा, टॉप ऑफ द लाइन डिस्प्ले दे रहा है, टॉप ऑफ द लाइन स्पीकर्स दे रहा है, और बिल्ट भी एकदम पूरा मैकबुक को कॉपी करते हुए एकदम काफ़ी कमाल यहाँ पे Realme आपको दे रहा है। बाकी 65 वॉट की आपको चार्जिंग देखने को मिल जाने वाली है, जो Realme क्लेम करता है आपको 11 आवर्स तक का बैटरी बैकअप देखने को मिलने वाला है। अगेन बैटरी बैकअप भी जो मैकबुक में सबसे खास होता था, जो 10 घंटे तक 11 घंटे तक मिलता था, वो यहाँ पे Realme अगेन अपने साथ लेके आ रहा है। बाकी PC कनेक्ट जैसे फीचर्स अपनी तरफ से Realme यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लेकर आ रहा है, जिसके थ्रू आप अपने फ़ोन के स्क्रीन को अपने लैपटॉप में देख पाओगे, अपने फ़ोन के ऐप्स को लैपटॉप में खोल पाओगे, और भी अलग अलग शेयरिंग के फीचर्स होने वाला है। बाकी आपको विंडोज 10 प्री इंस्टॉल मिल जाएगा लैपटॉप में, इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी देखने को मिल जाएगा, तो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाने वाला है। बाकी ऑब्वियसली जब भी विंडोज 11 का जो ऑफिशियल रिलीज होगा जो बाकी सारे लोगों के लिए, तो उसमें भी आपको विंडोज 11 का अपडेट तब देखने को मिल जाएगा। बाकी डुअल फैन कूलिंग इसमें देखने को मिलता है, इसमें कूलिंग के लिए वेंट्स वगैरह भी अवेलेबल है, जैसे कि अभी लेटेस्ट मैकबुक में वेंट हटा दिया गया, तो वैसा कोई सीन यहाँ पे नहीं है, इसमें आपको वेंट देखने को मिलेगा, और शायद कोई आपको हीटिंग इशू देखने को ना मिले अगर प्रॉपर कूलिंग रहा। वैसे Realme एज अ न्यू ब्रांड है, पहला लैपटॉप लेके आ रहा है, तो एज अ ब्रांड लैपटॉप के लिए ट्रस्ट करना मुश्किल हो सकता है, बट फोन्स काफ़ी सही बनाता है, तो जस्ट होप्स हो कि ये लैपटॉप भी काफ़ी ज़्यादा सही और जैसे स्पेक्स बताए गए वैसे लैपटॉप सही से काम करे। बाकी ये 8GB रैम लेके आया था, 4266 MHz का रैम है, जो आई थिंक इस बजट में और किसी आपको लैपटॉप में इतना अच्छा रैम देखने को नहीं मिलने वाला है, तो वो मुझे काफ़ी सही लगा इस लैपटॉप में। बाकी अगर हम लोग इसमें पोर्ट्स के बारे में बात करें तो आपको 2 C-type देखने को मिलने वाला है, एक USB-A देखने को मिलेगा, और 3.5 mm जैक भी यहाँ पे आपको अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। बाकी आपको इस लैपटॉप के 2 variants देखने को मिलने वाले, एक इंटेल i3 11th gen के साथ में, जिसमें आपको 1115G4 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा, और i3 11th gen के साथ में आपको 256GB SSD देखने को मिल जाएगा,
और मैंने जो आपको बताया आपको दो सी टाइप पोर्ट मिल रहा है, दोनों आपको i3 वाले वेरिएंट में 3.2 जेन का देखने को मिलेगा और यूएसबी ए भी आपका 3.2 जेन का है। और अगर हम लोग बात करें i5 11 जेन का तो उसमें आपको 1135G7 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा 512GB SSD के साथ में। और इसमें जो आपको दोनों सी टाइप देखने को मिलने वाला उसमें से एक सी टाइप थंडरबोल्ट 4 का होने वाला है जो आपको बहुत ज़्यादा हाई ट्रांसफर स्पीड दे देगा, तो वो काफ़ी कमाल बात है। ऑब्वियसली आई थिंक i3 11 जेन में थंडरबोल्ट 4 का सपोर्ट नहीं, इसीलिए नहीं है ऑब्वियसली, तो i5 11 जेन में जैसे कि सपोर्ट है तो आपको थंडरबोल्ट पोर्ट मिल रहा है जो इस बजट में अगेन काफ़ी कमाल बात है। जहाँ पे अगर हम लोग प्राइसिंग के बारे में एक बार बात कर ले तो जो i3 का प्राइस है वो है 46,999 यानी 47,000 के आसपास कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, बट इसका सेल प्राइस में आपको 2,000 रुपये एक्स्ट्रा ऑफ मिल रहा है तो 44,999 में मिल जाएगा यानी 45,000 में। बाकी i5 वाले वेरिएंट के प्राइस के बारे में बात करें तो 59,999 यानी 60,000 रुपीज़ उसका प्राइस है, बट फर्स्ट सेल में आपको 3,000 रुपीज़ ऑफ मिल रहा है तो 56,999 यानी 57,000 में वो आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी i5 11 जेन के साथ में इंटीग्रेटेड आईरिस एक्सी ग्राफिक्स देखने को मिलता है तो वो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, दोनों में कोई भी डेडिकेटेड ग्राफिक्स नहीं है। तो सर लैपटॉप में तो यहाँ रियलमी ने बहुत कुछ पैक कर दिया, मैकबुक को कॉपी करते हुए बहुत अच्छा डिस्प्ले दिया है, मैकबुक को कॉपी करते हुए बहुत अच्छा स्पीकर्स दिया है, बिल्ट मैकबुक जैसा देने का कोशिश किया, लुक्स मैकबुक जैसा देखने का कोशिश किया, बैटरी बैकअप मैकबुक जैसा देने का यहाँ पे कोशिश किया, बट जो मेन चीज़ है परफॉर्मेंस वो ऑब्वियसली यहाँ पे इंटेल का ही प्रोसेसर मिलता है, जो सॉफ्टवेयर है वो भी आपको विंडोज ही देखने को मिलता है, बट डिज़ाइन लुक्स और ये जो कुछ फीचर्स है उसको पूरा मैकबुक जैसा बनाने का कोशिश किया है। बट उसके बाद भी यहाँ पे अगर प्राइसिंग पे आ जाए तो एक बार यार प्राइसिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है, एज अ फर्स्ट लैपटॉप रियलमी का मुझे प्राइस यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है। जो पहला चीज़ मुझे इस लैपटॉप में सही नहीं लगा वो इसका प्राइसिंग है, ठीक है यार बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स दे दिए है बट एज अ फर्स्ट टाइम लैपटॉप मार्केट में लेके आ रहा है तो इतना भी ज़्यादा प्राइस नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इस प्रोसेसर के साथ में और भी लैपटॉप्स है जो इससे कम प्राइस में मिल जाते, तो रियलमी अगर थोड़ा सा और कम प्राइस में देता तो जो ये एक्स्ट्रा अच्छे अच्छे फीचर्स मिले जैसे कि 2K डिस्प्ले हो गया, इतना ज़्यादा बैटरी बैकअप हो गया, तो एज अ प्लस पॉइंट में लैपटॉप को और ज़्यादा कमाल बना देता, बट वो सारे फीचर्स के लिए यहाँ पर रियलमी एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, लाइक प्राइजेस ज़्यादा है बाकी लैपटॉप से कंपेयर करते हुए ऑब्वियसली, तो वो मुझे उतना सही नहीं लगा। अगर थोड़ा प्राइस और कम होता दोनों लैपटॉप्स में और 2-3 हज़ार करके कम होते, क्योंकि जो फर्स्ट सेल का प्राइस है वो भी मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, अगर उसमें भी 2-2 हज़ार रुपये कम होता तो आई थिंक थोड़ा और बेटर होता, बाकी यार तो भी आप ले सकते हो। बाकी मुझे और एक चीज़ सही नहीं लगा जो i3 वाला वेरिएंट है, क्योंकि उतना भी ज़्यादा केपेबल प्रोसेसर नहीं है और उसमें कोई भी वीडियो एडिटिंग और फोटो एडिटिंग जैसा काम नहीं करेगा, तो उसमें एक 2K 100% sRGB वाला डिस्प्ले का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। ऑब्वियसली वो बजट में एक स्टूडेंट या कॉलेज स्टूडेंट ऐसा कोई लैपटॉप परचेस करते हैं और उनको इतना भी ज़्यादा अच्छा डिस्प्ले का रिक्वायरमेंट नहीं, बट उनको ज़्यादा स्टोरेज का रिक्वायरमेंट है, तो एटलीस्ट 512GB SSD होना चाहिए था, और उसके बदले अगर 2K डिस्प्ले या फिर 100% sRGB डिस्प्ले नहीं भी होता तो भी काम चल जाता, बिकॉज वो उतना भी ज़्यादा केपेबल प्रोसेसर नहीं है कि कोई उस लैपटॉप को अब वीडियो एडिटिंग या फोटो एडिटिंग के लिए परचेस करेगा। तो यार ऑब्वियसली विजुअल्स काफ़ी सही होंगे, काफ़ी अच्छा वीडियो क्वालिटी आपको मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा कंटेंट कंजम्पशन मिल जाएगा, बट ऑब्वियसली यार उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उस बजट पॉइंट में स्टोरेज होता है, जो आई थिंक 256GB काफ़ी कम हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो अगर आपको लगता है कि आप 256GB में काम चला सकते हो तो ऑब्वियसली आप उसमें जा सकते हो। बाकी i5 वाला वेरिएंट मुझे तो भी काफ़ी सही लगा, 512GB SSD मिल रहा है, बाकी i5 11 जेन बहुत ज़्यादा केपेबल प्रोसेसर भी है, आप उसमें एडिटिंग वगैरह कर सकते हो, काफ़ी अच्छा डिस्प्ले मिल रहा है, तो कलर्स के मामले में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। प्राइसिंग थोड़ा 60,000 तक चला जा रहा है अगर फर्स्ट सेल में आप नहीं ले रहे हो तो वो एक यहाँ इशू है, अगर थोड़ा सा और प्राइस कम होता या जो फर्स्ट सेल का प्राइस अगर वही एक ओरिजिनल प्राइस होता तो और ज़्यादा कमाल हो जाता है यहाँ पे रियलमी के तरफ से। बाकी यार इसका 30 अगस्त को 12 बजे पहला सेल है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप ज़रूर से चेकआउट कर सकते हो। मुझे तो रियलमी की तरफ से काफ़ी सही लगा, अगर पहला लैपटॉप के हिसाब से रियलमी थोड़ा और कम प्राइस इसका रखता तो आई थिंक थोड़ा और बेटर हो सकता था। बाकी तो भी रियलमी ने काफ़ी अच्छा काम किया है कॉपी करने का मैकबुक से। तो दोस्तों यही सब थी पूरी कहानी रियलमी बुक के बारे में, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको क्या लगता है जो ये रियलमी का फर्स्ट बुक उसका प्राइसिंग वगैरह आपको सही लग रहा है कि नहीं। अगर आपको एक लैपटॉप परचेस करना होता इस बजट सेगमेंट में तो क्या आप रियलमी बुक को परचेस कर रहे होते? और हाँ, मुझे यहाँ पे एक और चीज़ सही नहीं लगा, रियलमी को उसका एक वेरियंट राइजन के साथ भी निकालना चाहिए था, आई थिंक थोड़ा और बेटर होता, तो उसका भी आप ओपिनियन नीचे कमेंट कर सकते हो। तो
आज के लिए इतना ही, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो सून।